नंबर 51 करा रहा हूं। चलो सर, सब सबसे पहली बात होती है आपकी ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ यार बेटा, तो बता ओपनिंग कैश कितना है सर? देखो ना, 10,500। सर क्लोजिंग कैश कितना है? क्लोजिंग कैश देख, बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से दिया हुआ है 30,000। दिया हुआ है क्या बेटा? जैसे देख क्लोजिंग कैश, तो सर क्लोजिंग कैश गिवन है 30,000। तो आपका ही सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे लिए होता है सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे आता है बाय सब्सक्रिप्शन। सर बाय सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लस करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब 2020 वाला, फिर माइनस करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब 2019, प्लस एडवांस एट बिगिनिंग। हमारे पास आ जाएगा 2019 का पैसा जो आया है 2020 के लिए, माइनस एडवांस एट एंड, मतलब 2021 का जो पैसा आ गया है अगले साल के। तो सर सब्सक्रिप्शन कुल मिला के कितने गिवन है बेटा? 70,500। सब्सक्रिप्शन गिवन तो है 70,500, उसमें से अगर अपन बात करें आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने हैं, जरा ध्यान से देखोगे तो आउटस्टैंडिंग एट एंड गिवन है कितने बेटा? 3,500 शायद, नहीं 4,300। सर आउटस्टैंडिंग एट एंड है 4,300, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 3,400। ठीक है बेटा, एडवांस एट बिगिनिंग है 2,000 और एडवांस एट एंड है बेटा कितने? 3,500। ठीक है सर, ये बात भी मान लेते हैं। तो सर अगर अपन बात करें तो 4 + 6 300 प्लस हो रहे हैं और 6 900 माइनस हो रहे हैं, तो नेट शायद 69,900 आने वाला है क्या सर? सर देखो, 6 300 प्लस और 6 900 माइनस, तो सर 6 900 माइनस हो रहे हैं, मतलब 600 एक्स्ट्रा माइनस हो रहे हैं, तो शायद इस तरफ 69,900 आ जाए। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों। सर आगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, साल के एंड में कितना बकाया था बेटा? 4,300। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना था सर बेटा? बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग था 3,400। बहुत सही सर। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना कितना? तो बेटा तेरा यहाँ पे आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर अपन बात करें एडवांस सब्सक्रिप्शन तेरा यहाँ पे था कितना एंड में? 3,500। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग था, अगर अपन बात करें तो वो था कितना तेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग? तो 2,000। ठीक है सर, वो भी डाल दिया अपन ने। सर बुक्स भी इसके बने एडजस्टमेंट। सर बुक्स क्या हमारी एसेट होती है बेटा? किसी भी लॉयर, किसी भी सीए के लिए उसकी बुक्स भी एसेट होती है, कि बुक्स भी सालों साल चलती है। तो बुक्स कितनी थी ओपनिंग? 8,000। और बेटा बुक्स क्लोजिंग में कितनी थी? 12,000। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी क्या? हाँ बेटा, अगर देखो ढंग से देखना हो तो एक बात सोच ले, फिर 8,000 की बुक्स थी और इस साल बुक्स खरीदी कितने की? 4,000 की। तो ठीक है ना सर, 8 + 4 = 12 हो गया, और तो कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितनी थी सर? इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रही है इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा? 25,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट दिख रही है कितने की? 25,000। सर क्या इस पे 9% का इंटरेस्ट बनता है? तुम्हारी कसम, इस पे 9% का इंटरेस्ट तो बनता है। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 25,000 है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 25,000 है, और सर इस पे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी बनता है। तो ठीक है ना बेटा, वो अपन देखते हैं। सर आपने अपनी पहली स्टेप कैश पुट करा दिया, आपने अपनी दूसरी स्टेप सब्सक्रिप्शन पुट करा दिया, अब आप आपकी तीसरी स्टेप पे चल रहे हो। सर तीसरी स्टेप आपने एडजस्टमेंट करवा दिया। एडजस्टमेंट के बाद सर अब आपका आता है थोड़ा सा वो कराना है सर, रिसिप्ट साइड्स में। तो रिसिप्ट साइड्स में बेटा क्या क्या है सर? क्या डोनेशन है? हाँ यार बेटा, डोनेशन आ रहा है। सर डोनेशन कितने का आ रहा है देख ले बेटा, डोनेशन कितने का आ रहा है? डोनेशन यहाँ पे आ रहा है तेरे पास 5,000 का। ठीक है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस ध्यान रखिएगा, हमेशा लाइबिलिटी होती है। तो सर हमने आज नई बात क्या सीख ली कि लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को अगर तुमको देखना हो तो यहाँ पे कितनी आ गई? 10,000। ठीक है सर, लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 आ गई। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, पहले अगर तुम खुद देखोगे तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 25,000 का 9%। तो सर 25,000 का 9% तो 2,250 होता है। कितना होता है? 2,250। तो सर इनकम इन्होंने कितनी कमा ली है बेटा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको तो आ चुकी है 2,000। सर कुछ क्या फिर अक्रूड बची होगी? हाँ बेटा, बची हुई अक्रूड ही तो होगी। तो
सर बाकी बची हुई क्या हो गई, अक्रूड इनकम। सर अक्रूड इनकम कितनी हो गई, 250। यहाँ पे 2000 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 250। क्या बात है सर। तो क्या हुआ सर, अक्रूड इनकम या अक्रूड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे भी आएगी, अक्रूड इंटरेस्ट आ गया, कितने रुपए, 250। क्या बात है सर। सर वापस ब्लर हो गया। बेटा अब देखते हैं और आगे कर लेता हूँ। अब देख बेटा थोड़ा सा, 1 मिनट, अब देख थोड़ा सा और। नहीं सर अभी तो नहीं हुआ। ठीक अब है सर आप आगे चलेंगे बढ़ाते तो हैं फोटो बेटा भेज देना। सैलरी। हाँ सैलरीज बेटा देखो गिवन है कितने की, 25,000। तो यहाँ पे तेरे पास टू सैलरीज के नाम पे खर्चा कितना आ जाएगा सर, 25,000। सर उसके बाद क्या लाओगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे सर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 4,000। तो उसके बाद कितने आ जाएंगे, स्टेशनरी आ जाएगी यार बेटा, स्टेशनरी कितनी आ जाएगी तेरे पास बेटा, 3,000। मैंने बोला ठीक है यार बेटा। उसके बाद तेरे पास रेंट आ जाएगा कितने का, 32,000। बुक्स तो आएंगी नहीं, क्योंकि बुक्स तो ऐसे होती है वहां पे ऐड हो चुकी है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सर इस तरफ का टोटल अगर देखा जाए तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, 69 एक 70 तो ये हो गया 77। 77,150 में से अगर ये सब माइनस करा जाए तो कितना कितना एक बार देख लो, तो मैं थोड़ा सरप्लस निकालने की तरफ जाऊं। तो सरप्लस कैसे निकालोगे, 25 4 29 और 32। 32 13 शायद थाउजेंड 100 64 हो रहा है ना सर, ये तो 64 में 13,000। हाँ क्या ये आंसर मैच कर रहा है बेटा, अगर आप बात करो पीछे से तो कैपिटल एट बिगिनिंग यहां से निकाल लेते हैं, बोला, और यहां से कैपिटल एट एंड निकाल लेते हैं। तो सर ये आपका एक क्वेश्चन, क्या बात सर है। हाँ ठीक है बेटा सर बोलो बोलो बोलो, क्या वो प्लस मैच हो गया सर। सरप्लस मैच हो गया। देख अगर सरप्लस मैच हो गया तो तेरा क्वेश्चन 90% तो राइट है सर। क्या सिर्फ 90 आ रहे बेटा, पूरा ही राइट है, चिंता मत। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी ब्लर की प्रॉब्लम आ रही थी, ये ले बेटा पूरा पूरा तुमको डाल दिया मैंने फोटो, एक बार चेक कर लो। तो सर एक बार चेक कर ले तो कैसे चेक कर ले, ये देख दोनों ग्रुप पे डाल दिया है फटाफट, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर आपने ये करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल पर आप रिज्यूम करो फटाफट, गेम को देखते हैं कि सर गेम कैसे चलेगा। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करते हैं गेम कैसे चलेगा, तो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट की आज जरूरत ही नहीं है, तो मैं फिर भी थोड़ी सी अपनी मदद के लिए बना लूंगा। वैसे तो उन्होंने बना के दी, इसके लिए अपन क्वेश्चन को थैंक यू है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट सर, क्या इस क्वेश्चन में ये बना के दिया है। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 50 है, और उसके बाद तेरे पास एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। चलो सर एक्सपेंडिचर एंड इनकम भी आपको आता है, आप बताओ। चलो सबसे पहले तो बेटा ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट आदत से मजबूर है, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग कैश कितना है, 39,000, और क्लोजिंग कैश है 87,500। ठीक है सर, ओपनिंग कैश कितना है, 39,000, और क्लोजिंग कैश कितना है, 87,500। सर दूसरा तो आपको पता ही, आप अटैक ही मारते हो सब्सक्रिप्शन पे। मैंने बोला हाँ यार बेटा सब्सक्रिप्शन पे अपन तो अटैक मारते हैं, प्लस करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो कि 2020 का रहेगा, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो कि 2019 का रहेगा, प्लस करेंगे एडवांस एट बिगिनिंग 2019 का, और माइनस कितना करेंगे एडवांस एट एंड कितने का, 2020 का। ठीक है यार सर, सब्सक्रिप्शन पहले देख तो ले, इस साल का दिख तो बेटा 181,000 रहा है, 181,000। बेटा जरा सा ओपनिंग बैलेंस शीट देखे ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 8,000। तो वो तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है बेटा, तो वो तो 8,000 क्या हो जाएगा, माइनस, वो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। और देखो उधर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है सर, एडवांस कितना गिवन है, 6,000 बेटा, चेक कर ले बैलेंस शीट में दिख जाएगा, तो देखो मजा आएगा। ठीक है सर दिख तो गया। अब सर इसकी कोई एडजस्टमेंट देखा बेटा, एडजस्टमेंट देखना बेटा नेक्स्ट वाले फोटो में, ऊपर की तरफ देख, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड इज 5,500। तो जो सब्सक्रिप्शन अभी बनाना बाकी है तो वो कितने हैं, 5,500, और जो अगले साल के लिए आ गए वो कितने हैं सर, 4,000। वेरी गुड 4,000, बहुत सही। तो हमने बोला हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ना,
11,500 प्लस हो रहे हैं, 12,000 माइनस हो रहे हैं, तो 1,80,500 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है सर, आप यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड वाला पार्ट कितने का बेटा, 5,500 का, और सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो तुम्हारे पास है वो कितने के हैं बेटा, तेरे पास 6,000 के। सर बहुत सही, हमको वो भी समझ में आ गया, सॉरी 4,000 के बेटा। सर आप आगे के एडजस्टमेंट भी देख लो, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है क्लियर क्लियर कि सर आपको सैलरी स्टिल अनपेड बोला है, और स्टिल अनपेड बोला तो यहाँ पे तो आ जाएगी आपकी टू सैलरीज प्लस आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू सैलरी के बाद आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि कितनी है 6,000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बोला है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अभी की वैल्यू है 45,000। मैंने बोला ठीक है भाई दोनों को मैं लगाम लगाता हूँ, तो सर आप दोनों को कैसे लगाम लगाओगे, तो बच्चे साथ दे कि मैं दोनों को कैसे लगाम लगाऊंगा, बच्चे थोड़ा सा तो पहले देखें, सबसे पहले सैलरीज की तरफ देखते हैं क्वेश्चन में, क्या सैलरीज गिवन है। हाँ यार बेटा वेजेस एंड सैलरी 60,000 है, तो सीधे यहाँ पे 60,000 लिख दे, तो 60 प्लस 6 इज समथिंग 66,000, 60 प्लस 6 इज समथिंग 66,000। गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। हाँ बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डे ओपनिंग में थे क्या सर, ओपनिंग में भी थे और खरीदे भी थे, तो बेटा सुन तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे कितने वो देख ली सर, ये कहाँ मिलेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बेटा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे कितने के थे तूने, तू ध्यान से देख ले, तूने खरीदे थे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के। ठीक है सर, 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सर, 50,000। ठीक है सर, ओपनिंग में 50 के थे, माइनस क्लोजिंग कितना बचा है, अगर 20 के खरीदे 50 के थे 70 के होने चाहिए, लेकिन बचे कितने के 45 के, इसका मतलब 25,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज हुए हैं, इसका मतलब मात्र 25,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया, थोड़ा सा गेम को हमको आगे बढ़ाने दो सर। सर आगे कैसे बढ़ाओगे बेटा, आगे ऐसे बढ़ाऊंगा कि अब अपनी एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, रिसिप्ट साइड्स में आ जाए, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल इनकम है बेटा, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल इनकम कितनी है तेरे पास, 1,500। ठीक है सर, सर बोला है बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड, 10,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने में बिके बेटा, 6,000 में, 10,000 के। तो बेटा एक मिनट ध्यान रखना, अगर कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड हुए हैं तो वो भी यहां से माइनस होने चाहिए बेटा, क्योंकि वो सोल्ड हो गए क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, तो ये वो भी यहां से माइनस होंगे, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड, तो अगर अपन बात करें प्लस होंगे सॉरी इक्विपमेंट सोल्ड, यहाँ पे माइनस ही होंगे, इक्विपमेंट सोल्ड कितने के बेटा 10,000 के, तो नेट यहाँ पे आपका लॉस आएगा 15,000। सर कैसे, 70 माइनस ये, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उन्हें बेचे भी हैं सर, 10,000 के इक्विपमेंट कितने में बेचे बेटा सर, 10,000 के इक्विपमेंट 6,000 में बेचे, तो सर क्या लॉस हुआ क्या। हाँ बेटा लॉस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लॉस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हो गया बेटा तेरे पास 4,000। मैं रुकूंगा इन सब चीजों पे, तो आगे बात करते हैं, एंट्रेंस फीस मिली है देखो बेटा, एंट्रेंस फीस कितनी हो गई तेरे पास बेटा, एंट्रेंस फीस है तेरे पास 2,000। ठीक है सर, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी बेटा लाइबिलिटी होती है सर, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 50,000। ओके बेटा चलिए भी तेरी बात मान ली, फिर देखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मिले, देख ऊपर टूर्नामेंट फंड बना हुआ है क्या, हाँ यार सर टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, और वो टूर्नामेंट फंड कितने का है 60,000 का, तो बेटा फंड से जुड़ी हुई इनकम फंड में ही ऐड होती है, तो इसमें देखो डोनेशन मिल गया कितने का 20,000 का, तो सर टूर्नामेंट के लिए अगर डोनेशन मिला तो क्या सर वो यहीं पे ऐड होगा, तुम्हारी कसम। हाँ उस तरफ देख ले, कोई टूर्नामेंट के ऊपर कोई खर्चे भी तो नहीं है, हाँ सर टूर्नामेंट के खर्चे भी हैं, कितने के हैं बेटा 65,000 के, देख तो सही, तो सर 65,000 रुपए के खर्चे हुए, तो नेट इधर आएगा कितना 15,000। ठीक है सर, यहां तक भी थोड़ा बहुत आपको मानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अब एक्सपेंसेस में देख ले, वेजेस एंड सैलरी डाल चुके हैं सर, क्या बचा अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, तो अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कितना हो जाएगा आपके पास, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स आपने खर्चा कराया 10,000 का,
नेक्स्ट बेटा स्टेशनरी पे खर्चा करा है 15,000 का। सर ये काय पे खर्चा करा है आपने? स्टेशनरी पे बेटा। स्टेशनरी पे खर्चा कितना हो गया? 15,000 का। क्या ऑडिट फीस हुई बेटा खर्चा? हाँ सर ऑडिट फीस भी खर्चा है सर। तो ऑडिट फीस कितना खर्चा हुआ देख जरा। तो ऑडिट फीस तेरे पास आ रही है 2,000 की। ठीक है सर। और क्या है? एक्सपेंसेस कर दिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर दिए, इन्वेस्टमेंट खरीदी है तुमने 40,000 की। सर क्या ऊपर भी कोई इन्वेस्टमेंट थी क्या? ऊपर तो बेटा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है और इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है 5% अक्टूबर में 40,000। तो क्या सर इसका ब्याज बनता है अक्रूड इंटरेस्ट? हाँ यार बेटा अक्रूड इंटरेस्ट बनेगा 40,000 का 5%। 40,000 का 5% लेकिन बेटा 6 महीने के लिए। सर क्यों 6 महीने के लिए यार? सर सर इसीलिए 6 महीने के लिए क्योंकि अक्टूबर में खरीदी। तो 40,000 का 5% तो यूं भी 2,000 होता है, उसको अपन ने 6 महीने के लिए कर दिया तो कितना हो गया? 1,000। सर कुछ और बचा क्या? नहीं बेटा अगर अपन ढंग से देखें तो यहाँ पे शायद 1,84,000 आ रहा है एक प्रकार से। और बच्चे अगर यहाँ का थोड़ा बहुत हिसाब लगा ले तो 70 और ये 85, ठीक 1,00,000, 1,12,000 आ रहा है यहाँ पे शायद। 1,12,000 शायद आ रहा है, शायद सरप्लस 72,000 के आसपास आ जाए। भैया, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में आएगी ना? हाँ आएगी ना बेटे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में 6,000 की। बिल्कुल सही। चले सरप्लस जो चेक कर लो 72 के आसपास आना चाहिए, कुछ 5-6 हजार ऊपर नीचे आ रहा होगा तो अपन उसको भी देख लें।